प्रेगनेंसी के दौरान में जो गैस की समस्या होती है, जिस वजह से शरीर में दर्द होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी रहती है, इसमें गुरुजी ने एक फॉर्मूलेशन को बताया था और उस फॉर्मूलेशन को मैंने जो है वो बनाया था, यूज़ भी करवाया है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी का मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है ताकि जो भी जिनको भी ऐसी समस्या है वो इसको देख कर जो है वो बनाकर इसका जो है वो यूज कर सकें। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इवन कि प्रेगनेंसी ही नहीं, किसी को ऐसे भी गैस की जो समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो वो भी यूज करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ये फॉर्मूलेशन गुरुजी ने जो बताया था वो गैस की समस्या के लिए, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान में जो है वो जो गैस की समस्या होती है तो उसमें यूज़ करने के लिए बताया है। तो आप इस फॉर्मूलेशन को देखिए, यहाँ पे हमने जो है वो 4 चम्मच जो है वो धनिया लिया था और 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन लिया है। तो धनिया को अलग रखना है और जो है वो धनिया जो है वो कच्चा ही रहेगा। सौंफ, जीरा और अजवाइन को हमें जो है वो हल्के यानी धीमे आँच पे जो है वो उसे भूनना है और इसकी जो है नमी ख़त्म करनी है। जब ये हल्का सा जो है वो भून जाएगा यानी कि रोस्ट हो जाएगा, तब इसे फिर हम जो है वो मिला लेंगे, यानी कि धनिया और जो हमारे बाकी के जो 3 इसमें प्रोडक्ट है, सौंफ, अजवाइन और जीरा, इन सभी को मिलाकर फिर से हमें इनको ग्राइंड करना है। और इनको ग्राइंड करने के लिए आप कोई खलर ले सकते हैं या फिर आप मिक्सर है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को मिला लिया गया है और मिलाकर इसको अच्छे से जो है वो कूट पीस कर, मतलब इसमें हम इसको देखें कि दृढ़ रहने दें, यानी कि थोड़ा सा मोटा टुकड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रोस्ट हो जाने के बाद में ये अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान में एलोपैथी मेडिसिंस के यूज से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये मेडिसिंस जो हैं वो उल्टे नुकसान दे देते हैं। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा फॉर्मूलेशन दिया है और ये मैंने बहुत अलग अलग महिलाओं को भी यूज़ करवाया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जहाँ भी मैंने बताया है उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको यूज़ कीजिए और गुरुजी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। पाउडर हो जाने के बाद में इसमें हमें काला नमक मिलाना है स्वाद अनुसार, और काला नमक जो है वो प्योर लें ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिल सके। तो इसे अच्छे तरीके से मिलाकर और इसे हमें एयर टाइट कोई भी कंटेनर में रख लेना है, और खाने के बाद में, खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ में इसको लेना है। इससे जिनको भी जो एसिडिटी और गैस की जो समस्या होती है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान में, उनको बहुत ही जो है वो लाभ होगा। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो फॉर्मूला है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिनको भी ऐसी ज़रूरत है उन तक जो है ये पहुंच सके। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए समृद्धि परिवार जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम जो है वो अपने जो पुराने जो नॉलेज है उससे ठीक हो सके और लोगों को भी ठीक कर सके। धन्यवाद।